इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और ना ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट लॉ पॉइंट की, और वो लॉ पॉइंट ये है कि यदि कंप्लेनेंट ने चेक बाउंस के केस में चेक में जो अमाउंट भर रखी है और वो बाउंस जो चेक हो रखा है उसमें जो अमाउंट डली हुई है वो यदि लीगली एनफोर्सेबल डेट से या किसी लीगल लाइबिलिटी से ज्यादा की है तो वो केस जीत नहीं पाएगा। अब मुझे नहीं पता है कि मेरे वीडियो को ज्यादा कौन लोग सुन रहे हैं, कंप्लेनेंट सुन रहे हैं, एक्यूज सुन रहे हैं, पर मैं लॉ पॉइंट की बात कर रहा हूं, कानूनन स्थिति की बात कर रहा हूं, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स के जजमेंट से स्थापित लॉ पोजीशन है। आप कंप्लेनेंट हैं या एक्यूज्ड हैं, आपको खुश होना या दुखी होना ये वीडियो देख के, वो मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाई। अब क्या होता है कि कई बार मान लो आप एक्यूज्ड हो, आपने किसी से पैसे लिए, आपने उसे कोई पार्ट पेमेंट दे दी, परंतु चेक आपने पहले कुछ और अमाउंट का भर के दे रखा था, कंप्लेनेंट ने वो चेक प्रेजेंट कर दिया, वो चेक बाउंस हो गया, परंतु आपने तो पार्ट पेमेंट कुछ दे रखी थी, तो वो जो चेक हो गया, अब उतने पैसे तो कानूनी रूप से दे आपके बचते नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक्यूज्ड हैं तो आप केस जीत जाओगे और कंप्लेनेंट है तो आप केस हार जाओगे। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हम कहते हैं कानूनी रूप से दे राशि, तो एक लिमिटेशन एक्ट होता है, कानून में हर चीज का एक लिमिटेशन बना रखा है कि भाई कौन सी चीज कब तक ली जा सकती है कानूनी रूप से। तो किसी को लोन अगर दे रखा है तो लिमिटेशन पीरियड है उसे वापस लेने का कानूनी रूप से 3 साल, बिना कानूनी रूप से तो आप कैसे भी ले सकते हो उससे, कोर्ट में जाके कोर्ट की मदद लेके 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है कि जब तक देना था जो अंतिम तारीख थी तब तक नहीं दिया और कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ फर्दर, तो 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट में केस करना पड़ेगा। अब यदि आप एक्यूज हो, आपने किसी से 10 साल पहले लोन ले रखा था और लिमिटेशन पीरियड बहुत पहले का खत्म हो चुका, आपने उसके बाद कोई उसे वादा भी नहीं करा देने का, ना कोई पार्ट पेमेंट करी, चेक पड़ा था, चेक कंप्लेंट में वो खुद ही लिख रहा है कि एक पुराना लोन था, तो वो टाइम बार डेट हो गया, वो एक ऐसा लोन हो गया जो लिमिटेशन एक्ट के तहत अब रिकवरी नहीं हो सकता, तो वो टाइम बार डेट। हालांकि इसमें भी कुछ और जजमेंट्स हैं कि क्या जो चेक दिया गया है बाद में अगर दिया गया है तो क्या फिर से वो प्रॉमिस हो गया उस लोन को रीपे करने का, परंतु जनरल लॉ पॉइंट अभी आपको मैं बता रहा हूं कि अगर चेक उसी समय दिया था शुरू में ही और लोन टाइम बार्ड हो गया तो अब वो लीगली रिकवरेबल लोन नहीं रहा, तो कानूनी रूप से देय राशि नहीं रही। तो पार्ट पेमेंट कर दिया था पहले एग्जाम्पल में तो भी नहीं रही, टाइम बार्ड हो गया था लोन तो भी नहीं रही, कई बार सामने वाले ने जो अमाउंट भरा उसके अकाउंटेंट ने भरा, कंपनी ने भरा, बैंक ने भरा, जिसने भी भरा, अपनी मर्जी से कुछ भी गलत भर दिया, उल्टा पुल्टा इंटरेस्ट जोड़ दिया, कोई पेनल्टी या चार्जेस जोड़ दिए जो लीगली रिकवरेबल नहीं है, तब भी अगर आप कोर्ट को सिद्ध कर पाओगे कि इसमें जो अमाउंट भरा हुआ है चेक के अंदर मेरी इतनी लायबिलिटी इस तारीख को नहीं बनती। तो इस प्रकार कहने का भाव ये है कि यदि चेक बाउंस केस में जो चेक अमाउंट है, जिस चेक की वजह से केस चल रहा है उसमें जो अमाउंट भरी हुई है, अगर वो कानूनी रूप से दे नहीं है, पूरी दे नहीं है, या उससे कम दे है, उससे कम देने थे पैसे पर अमाउंट चेक में ज्यादा डला हुआ है, कारण कोई भी हो सकता है, अगर आप कोर्ट को ये बात सिद्ध कर सकते हो एज एन एक्यूज्ड, तो आपके फेवर में ये लॉ पॉइंट जाता है। और इसमें बहुत सारे जजमेंट्स हैं, उसमें से 7 जजमेंट्स मैं बता नहीं रहा इस वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं 7 जजमेंट्स के, आप वहां से वो साइटेशंस कॉपी कर सकते हो, वो नाम कॉपी कर सकते हो जजमेंट का, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे और आप अपने केस में उन जजमेंट्स को यूज कर सकते हो।